हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा, योर साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 12, इलेक्ट्रिसिटी। मैं आपको छोटे छोटे पार्ट्स में इसकी वीडियो बना के भेज रही हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक न्यूमेरिकल दिया था मैंने आपको सॉल्व करने के लिए पिछली वीडियो में, उसका सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में दे रही हूँ। आपने उसे ध्यान से समझना है, ठीक है? वैसे तो मैंने उसको सॉल्यूशन कैसे करना है आपको बता दिया था, बट एक बार मैं उसका सॉल्यूशन दे रही हूँ। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलाम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। कि जो एनर्जी और वर्क वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। हम वर्क कब करते हैं, काम कब करते हैं, आपने 9th में पढ़ा हुआ है ना कि एनर्जी के मिलती है उसे या एनर्जी लगती है उसमें, ठीक है? तो एक तरीके से वो क्या हो गया, वर्क। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, वर्क फाइंड आउट करना है। ईच कूलाम यानी कि हमें जो चार्जेस है वो कितना दे रखा है, 1। और उसके बाद इन्होंने बोला है कि जो बैटरी है वो कितने वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है? तो आपके पास वोल्ट है 6 और चार्जेस है आपके पास 1। आपको वर्क क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सॉल्व करते हैं हम इसको। ये इसका सॉल्यूशन, क्यों हमारे पास क्या है, 1 कूलाम। आपको पता है क्यों मीन्स क्या होता है, चार्जेस, ठीक है? वी मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास कितना है, 6 वोल्ट। इसका कूलाम होता है यूनिट और इसका क्या होता है, वोल्ट होता है। ये चीज़ मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो। वर्क हमारे पास, हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है वर्क। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ठीक है? अब यहाँ से अगर हमें वर्क निकालना है तो हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कुछ ये फॉर्म आ जाएगी हमारे पास, W इज इक्वल टू वी इंटू क्यू। अब हमारे पास वैल्यू दी हुई है, इस वैल्यू को हमने फिल कर देना है। वी हमारे पास कितना है, 1 कूलाम, ठीक है? और क्यू हमारे, सॉरी, वी हमारे पास जो है, यहाँ पे ये थोड़ा सा उल्टी जो डिजिट आ गई, कोई बात नहीं, आप ऐसे कर देना 6, ठीक है? मल्टीप्लाई 1, 6 बन जा 6। अब वर्क निकाला है तो वर्क की यूनिट आपको पता है क्या होती है, जाउल। ये यूनिट्स आपको बहुत ध्यान रखना है, सिंबल्स और यूनिट्स, किसका कौन सा सिंबल है, कौन सी यूनिट है, इस चीज़ को बहुत ध्यान से आपने ध्यान रखना है। क्यों क्या होता है, चार्जेस। वी पोटेंशियल डिफरेंस। डब्ल्यू वर्क, ठीक है? क्यों कूलर, इसकी चार्जेस की जो यूनिट है कूलाम। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है वोल्ट। वर्क की एनर्जी होती है, एनर्जी और वर्क दोनों की क्या होती है, जाउल। नेक्स्ट देखते हैं हम। आज हमने स्टार्ट करना है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सबको पता होगा, तो अब हम फिजिक्स की तरह से देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। देखो, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट इज ए रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता रहता है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे कि हमारा ये सर्किट बना हुआ है, आप सर्किट में देखोगे ये स्विच ऑन है, तो यहाँ से जो फ्लो है वो क्या हो रहा है, चल रहा है, फ्लो टोटली चल रहा है, ठीक है? जिसकी वजह से ये बल्ब क्या हो रहा है, ग्लो कर रहा है, तो इसे ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो फिर देख लेते हैं हम इलेक्ट्रिक, ये डेफिनेशन हो गई आपकी, इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है फ्लो होता रहता है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। अब इसकी यूनिट क्या होती है, अभी तक हमने सबकी यूनिट देखी कि किस में हम इसकी यूनिट, जैसे कि मीटर, सेंटीमीटर, कूलाम हमने देखा, ठीक है, वोल्ट देखा, उसके बाद जाउल देखा। तो अब इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर। क्या होती है इसकी, एम्पियर, ठीक है? इसको ए से डिनोट करते हैं। अब इसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए,
जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका सिंबल होता है आई, उसको हम आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से। इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, और उसकी यूनिट क्या है? एम्पियर। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो गया? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, क्यू मीन्स आपका क्या हो गया? चार्जेस। टी मीन्स क्या हो गया? टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर आई इज इक्वल टू करेंट, क्यू मीन्स टोटल चार्ज, और टी मीन्स टाइम टेकन, मतलब कितना टोटल चार्ज हो गया उसके टाइम, टोटल टाइम टेकन का रेशियो। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये एम मीटर है। आपने इसी की तरह से वोल्ट मीटर भी देखा था ना, आपको बताया था मैंने वोल्ट मीटर के बारे में। ठीक है, तो वोल्ट मीटर भी ऐसे ही होता है, लेकिन एम मीटर को आप कैसे पहचानोगे? यहाँ पर क्या लिखा होगा? ए लिखा होगा। हमने बताया था कि इसी तरीके से वोल्ट मीटर में यहाँ पे क्या लिखा होता? वी लिखा हुआ था। जिसमें वी लिखा है वो वोल्ट मीटर है, जिसमें ए लिखा हुआ है वो क्या है? एम मीटर। तो एम मीटर क्या होता है? एम मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर करंट, जो करंट की मेजरमेंट करता है उसको एम मीटर कहते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की, चार्जेस की जो मेजरमेंट करता था वो क्या था? वोल्ट मीटर। और करंट की जो मेजरमेंट करता है वो क्या है? एम मीटर। ठीक है, एम मीटर की पहचान आपने देख ली, वो क्या होती है? ए। वोल्ट मीटर में क्या होता है? यहाँ पर वी होता है। ठीक है, ये पिक्चर है आपके पास एम मीटर की, ये साइंस लैब में होती है। नेक्स्ट, कई बार आपसे डेफिनेशन पूछ जा ली जाती है, 1 मार्क्स में डेफिनेशन आ जाती है, एमसीक्यूज में आ जाती है, कि एक करंट ऑफ 1 एम्पियर क्या होता है, मतलब राइट 1 एम्पियर, व्हाट इज 1 एम्पियर? तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन याद रखनी है आपने। ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इज इक्वल, ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इज इक्वल, सेम जो हमने फॉर्मूला लिखा था वैसे ही। ठीक है, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड, ये चार्ज हमारा हो गया 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड, मतलब जो टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता चल गया आई जो है वो क्या है? एम्पियर है। करंट की जो यूनिट है वो एम्पियर है। क्यू मीन्स कूलाम, कूलाम जो क्यू जो है चार्जेस है, चार्जेस की यूनिट क्या है? कूलाम। ठीक है, टी जो है टाइम है, और इसकी यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो सेम इसी तरीके से आपको पता है एम्पियर किसकी यूनिट है? करंट की। ठीक है, कूलाम किसकी यूनिट है? चार्जेस की, और सेकेंड किसकी यूनिट है? टाइम की। तो आपने इस फॉर्मूले से डेफिनेशन लिख लेनी है। समझ आ गया आपको प्रॉपरली कि आई इज इक्वल क्यू अपॉन टी, इसका आई मीन्स करंट यानी कि एम्पियर, क्यू क्या हो गया? कूलाम, और टी क्या हो गया? टाइम। तो ये आपने इससे, इस फॉर्मूले को अगर ध्यान रखोगे तो डेफिनेशन भी बहुत इजीली बन जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था, अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है पहले हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट, यहाँ आप फिगर में देख रहे हो इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे, इसमें बल्ब लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है, यहाँ पर वायर्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे कॉम्बिनेशन जो सिस्टम से आपस में जुड़े हुए हैं इन्हें क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। तो डेफिनेशन देखते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट एक कॉन्टिन्यूस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर एंड अदर रेसिस्टेंस लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब एक्सेप्ट एंड द स्विच बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ ए सेल और ए बैटरी अलोंग विच एन इलेक्ट्रिक करेंट फ्लो इज कॉल्ड ए सर्किट। सर्किट किसे कहते हैं? कि हमने कोई कंडक्टिंग पूरा पाथ लेना है, पूरे पाथ में कंटिन्यू पाथ हमारा, उसमें सारी चीज़ें होनी चाहिए, बल्ब भी, स्विच भी, बैटरी भी, वायर्स भी, ये सारी चीज़ें मिल करके जब पूरा सर्किट कंप्लीट करते हैं, यहाँ से मतलब अगर करंट चलना शुरू हुआ है तो यहाँ कंप्लीट होके फिर से वो वापस अपनी जगह पे आके पहुँच जाए और ये इस तरीके से फ्लो होता रहे, तो इसे ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो आपको समझ आ गया, अभी हमारा इलेक्ट्रिक करंट हो गया, अब उसकी यूनिट हो गई और इलेक्ट्रिक सर्किट। अभी जो इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, ये बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। एक क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट और दूसरा है ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट में जो है बल्ब ग्लो होगा, ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट में बल्ब ग्लो नहीं होगा। ये हम समझते हैं एक डायग्राम के थ्रू, जो कि आपको प्रॉपर समझ में आएगा। जिसमें
अब यहाँ पर दो डायग्राम बने, आप देख के पहचान सकते हो कि क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट कौन सा है और ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट कौन सा है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया। यस, सोच के बताओ। यस, ये क्या है हमारा क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट और ये क्या है ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स इसका स्विच जो है वो क्या रहेगा, क्लोज रहेगा, आपस में बंद दबा हुआ रहेगा, ये बंधा हुआ रहेगा। इससे क्या होगा, जो करंट यहाँ से बैटरी से पास हो रहा है वो पूरा बल्ब के पास जाएगा और फ्लो होके दोबारा से ये सर्किट क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। तो ये क्या है, क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट में आप देखो यहाँ पर स्विच क्या है, ओपन हुआ है, स्विच ओपन है, इट मीन्स ये सर्किट यहाँ पर टूट रहा है, यहाँ पर ये सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है, यहाँ से जो करंट निकल रहा है वो आगे तक नहीं जा पा रहा है, आगे तक नहीं जा पा रहा है, तो ये बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। तो ये कौन सा सर्किट हो गया, यस ओपन टाइप। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है ये क्लोज टाइप इलेक्ट्रिक सर्किट और ये क्या हो गया, ओपन टाइप इलेक्ट्रिक सर्किट। दोनों अच्छे से समझ आ गया आपको। ठीक है, क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, स्विच जो है लगा हुआ होता है और बल्ब जो है ग्लो करता रहता है, क्यों, क्योंकि करंट जो है पूरे सिस्टम में घूम रहा है। और ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट में स्विच ऑन होता है, स्विच जो है ऑफ होता है और करंट जो है फ्लो नहीं हो पाता है, इस वजह से बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। आगे चैप्टर कंटिन्यू करने से पहले आपको कुछ सिंबल्स हैं वो सिंबल्स पता होना चाहिए, जिससे आपको चैप्टर को समझने में ईजी होगा। तो ये सिंबल्स आपने अच्छी तरीके से लर्न कर लेने हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक सेल, ये आपने 6th-7th में भी थोड़े किए हुए हैं, अभी आपने और अच्छे से कर लेने हैं। तो इलेक्ट्रिक सेल फर्स्ट, इसका सिंबल एक पॉजिटिव बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन, वो क्या है नेगेटिव। बैटरी, बैटरी क्या होती है, कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल, बहुत सारे सेल को हमने जोड़ दिया तो वो क्या बन गया, बैटरी। कनेक्टिंग वायर, एक सिंपल लाइन खींच दिया, कनेक्टिंग वायर। अब वायर जॉइंट दो तरीके से शो कर सकते हैं, ऐसे भी शो कर सकते हैं और ऐसे भी शो कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसका थोड़ा सा कलर बदल देती हूँ, आपको इजी आएगा पेन का। तो वायर क्रॉस विद जॉइनिंग, अगर वायर क्रॉस कर रही है और जॉइनिंग में है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये वाला सिंबल। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये बल्ब का सिंबल है, आपको बल्ब का सिंबल आना चाहिए। प्लग की, प्लग की का सिंबल। टैपिंग की, ठीक है, ओपन प्लग की का सिंबल ये है और क्लोज प्लग की का सिंबल ये, ध्यान रखना है। क्लोज प्लग की में इसमें बीच में डॉट आएगा, ओपन प्लग की में डॉट नहीं होगा। फिक्स्ड रेसिस्टेंस, इस तरीके से जिगजैग बना देना है। वेरिएबल रेसिस्टेंस में जिगजैग बना के एक एरो बना देना है। रियोस्टेट में कुछ इस तरीके से करना है, ये अभी हमारा रेसिस्टेंस वाला पार्ट पड़ा हुआ है, उसमें आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आएगी। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर का सिंबल, आपको पता है अभी ये भी आपका बचा हुआ है, गैल्वेनोमीटर के बारे में बताना, वो नेक्स्ट में बताएंगे आपको। तो ये सिंबल आपको ध्यान रखना है गैल्वेनोमीटर का। नेक्स्ट है एम मीटर, ए लिखा हुआ और इसका सिंबल आपको पता है, एक साइड पॉजिटिव और दूसरे साइड नेगेटिव। ये एम मीटर के बारे में आपको पता है, ये चीज़ मैं बता चुकी हूँ, आप याद करो आपको एम मीटर क्या होता है। हाँ जी, करंट, करंट को जिसमें, जिस डिवाइस में हम करंट को नोट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, एमीटर। ठीक है, इसी तरीके से वोल्ट मीटर, आप वोल्ट मीटर भी देख पा रहे हैं, वी एक साइड पॉजिटिव चार्जेस और एक साइड नेगेटिव चार्जेस। जब आपने ये सारे सिंबल कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है, तो ये सिंबल कंप्लीट करने के बाद मैं आपको एक डायग्राम बताती हूँ। ठीक है, वो डायग्राम देखो आप, कुछ इस तरीके का डायग्राम। अब यहाँ पर, यहाँ तो चलो नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, अगर नेम नहीं लिखे होंगे तो आप सिंबल्स के थ्रू सारी चीज़ों को पहचान सको, क्योंकि पूरा चैप्टर ही हमारा आगे इसी सिंबल्स पे है और इसी तरीके से सिस्टम पर है। तो यहाँ पर आप इसको देख के पहचान गए क्या है, ये एमीटर। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर अगर ये सिंपल लाइनों को देखें तो ये क्या है, कनेक्टिंग वायर। यहाँ पर एक लाइन बड़ी, एक लाइन छोटी, इसका मतलब सेल, अगर एक बड़ी एक छोटी, एक बड़ी एक छोटी, ऐसे तीन चार लाइनें होती तो वो क्या हो जाती, बैटरी। यहाँ पर ये क्या है, स्विच है। ठीक है, ये सिंबल आपको बताया था रेसिस्टर, ये सिंबल बताया था क्या है, ये वोल्ट मीटर। तो इस तरीके से कोई भी सर्किट हम कंप्लीट होता है कि एक सर्किट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए,
एक स्विच होनी चाहिए, एक सेल हो, वायर हो, एम मीटर हो, वोल्ट मीटर हो, रेसिस्टर है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा सिस्टम है। जो करंट है वो यहाँ से चल के पूरे सिस्टम में होते हुए वापस यहाँ पहुँचता है, और ये फ्लो क्या होता रहता है, चलता रहता है। अगर इसको हम स्विच क्या कर दें, यहाँ से यहाँ क्लोज टाइप है, अगर ओपन कर दें तो फिर करंट फ्लो नहीं होगा और फिर इसमें करंट जो है आगे नहीं बढ़ पाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चैप्टर। अगर आप साइड बाय साइड इसको करते जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। आगे हमारा रेसिस्टेंस रहता है, ओम्स लॉ, पैरेलल सीरीज, ये बहुत ही आगे जो टॉपिक में करवाने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप अगर पिछला ध्यान से समझते जाएंगे तो ही आगे का समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज आपने इसको कंप्लीट कर लेना है, नेक्स्ट वीडियो फिर देखना है। और अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी हो तो पहले उसको देखना, नहीं तो आपको आगे का समझ नहीं आएगा।